हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के टाइमर्स के बारे में, यानी कि रिप टाइमर्स के बारे में। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चार टाइप के टाइमर्स को यूज करता है। इनमें से पहला है अपडेट टाइमर, दूसरा है राउट इनवैलिड टाइमर, तीसरा है होल्ड डाउन टाइमर और फोर्थ है फ्लश टाइमर। अपडेट टाइमर बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स का होता है। इनवैलिड टाइमर बाय डिफॉल्ट 6 टाइम्स ऑफ अपडेट टाइमर होता है, जो कि बनता है 180 सेकंड्स। होल्ड डाउन टाइमर भी 180 सेकंड्स का होता है, जबकि फ्लश टाइमर 240 सेकंड्स का होता है। तो चलिए अब इन टाइमर्स को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद राउट अपडेट टाइमर। जैसे कि आपको मालूम है कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप अपने राउटिंग टेबल के अपडेट्स पीरियोडिकली अपने नेबर्स को सेंड करता है, तो हर रिप स्पीकिंग राउटर अपनी अपडेट्स को बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स के बाद अपने नेबर्स को सेंड करता है। तो आप अपडेट टाइमर से ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका रिप प्रोटोकॉल अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी अपडेट्स नेबर्स को कैसे सेंड करेगा। तो अपडेट टाइमर ये डिफाइन करता है कि रिप स्पीकिंग राउटर अपने पड़ोसी को किस इंटरवल के बाद अपने राउटिंग टेबल की अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। तो अगर हम अपनी टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस की, जो हमने पहले भी देखी हुई है, अगर राउटर ए राउटर बी को अपडेट सेंड करना चाहता है या कोई भी रिप स्पीकिंग राउटर दूसरे रिप स्पीकिंग राउटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और उसे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहता है या अपडेट सेंड करना चाहता है, तो वो ये अपडेट्स बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स के बाद सेंड करेगा। इसीलिए रिप प्रोटोकॉल्स को बहुत चैटी भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर 30 सेकंड्स के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पड़ोसी को सेंड करते रहते हैं। इसी तरीके से राउटर बी भी राउटर ए और सी को अपनी अपडेट टाइमर के अकॉर्डिंग सेंड करेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स होता है। इसके बाद दूसरे टाइप का टाइमर है हमारा इनवैलिड टाइमर या राउट इनवैलिड टाइमर। तो राउट इनवैलिड टाइमर या इनवैलिड टाइमर, जैसे कि आपको थोड़ा सा नाम से अंदाजा लग रहा होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड्स होता है, इस चीज को स्पेसिफाई करता है, उस इंटरवल को स्पेसिफाई करता है जितनी ड्यूरेशंस तक रिप स्पीकिंग राउटर्स या राउटर्स वेट करते हैं, जिसके बाद वो ये डिक्लेयर कर सकें कि एक स्पेसिफिक राउट अब इनवैलिड हो गया है या रीचेबल नहीं रहा है। तो इस इंटरवल के बाद, जो कि बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड्स होता है, किसी भी डाउन लिंक को या डाउन नेटवर्क को अनरीचेबल मान लिया जाता है। और इससे जो अगला टाइमर है, यानी के फ्लश टाइमर, इसकी ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 240 सेकंड्स होती है, यानी कि 180 सेकंड्स इनवैलिड टाइमर के प्लस 60 सेकंड्स और ये लेता है। इस ड्यूरेशन में या इस इंटरवल में जो इनवैलिड राउट्स हैं, उनको सभी रिप स्पीकिंग राउटर्स जो कि एक इंटरनेटवर्क में है, अपने अपने राउटिंग टेबल से उसकी एंट्री को रिमूव करते हैं। तो अभी तक हमने तीन टाइमर्स की जानकारी ली। पहला है हमारा राउट अपडेट टाइमर, जिस ड्यूरेशन के बाद या जिस इंटरवल के बाद राउटर्स एक दूसरे को अपडेट सेंड करेंगे, वो ड्यूरेशन या वो इंटरवल स्पेसिफाई करता है हमारा राउट अपडेट टाइमर या सिंपली अपडेट टाइमर। इसी तरीके से दूसरा टाइमर है हमारा राउट इनवैलिड टाइमर, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि कितनी ड्यूरेशन तक या किस इंटरवल तक एक पर्टिकुलर राउट के बारे में या पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इंतजार किया जाए, और इस टाइमर के एक्सपायर होने के बाद या अगर इस स्पेसिफाइड इंटरवल में उस अनरीचेबल राउट की इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो उसे नॉन रीचेबल मान के उससे अगले टाइमर का काम स्टार्ट होता है, जो कि है फ्लश टाइमर। और फ्लश टाइमर उस इंटरवल को स्पेसिफाई करता है जिस ड्यूरेशन में हमारे नेटवर्क के राउटर्स अपने अपने राउटिंग टेबल से इनवैलिड राउट की या उस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जहां अभी पहुंचा नहीं जा सकता है, उसे हटाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का टाइमर भी है, जिसे होल्ड डाउन टाइमर भी कहा जाता है। होल्ड डाउन टाइमर का यूज रिप या राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो अगले वीडियोस में हम राउटिंग लूप्स के बारे में, जो कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स का होता है बाय डिफॉल्ट, और ये उस ड्यूरेशन को या उस इंटरवल को स्पेसिफाई करता है जिस पीरियड में अगर इनवैलिड राउट या वो नेटवर्क जिसे पहले इनवैलिड मान लिया गया है, इनवैलिड टाइमर के एक्सपायर होने के बाद, उसे कोई भी राउटर अपने राउटिंग टेबल में जगह नहीं देगा। यानी कि अगर एक राउट को इनवैलिड मान लिया गया है इनवैलिड टाइमर के एक्सपायर होने के बाद, तो उस राउटर को 180 सेकंड्स तक और किसी भी राउटर के राउटिंग टेबल में दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है, इसे हम तब डिस्कस करेंगे जब हम राउटिंग लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो ये एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से रिप में लूप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। तो हमारा जो पहला टाइमर है वो है राउट अपडेट टाइमर या सिंपली अपडेट टाइमर, जो कि बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स का होता है। इसके बाद सेकंड टाइमर साइमल्टेनियसली रन करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 6 टाइम्स है अपडेट टाइमर का, और जिसे बोलते हैं इनवैलिड टाइमर। ये 180 सेकंड्स तक रन करता है, और अगर इस इंटरवल में अगर किसी नेटवर्क की अपडेट इस ड्यूरेशन में नहीं आती है या इस पीरियड में नहीं आती है तो उसे इनवैलिड मान लिया जाता है। और फिर एक और टाइमर जो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है और जिसे फ्लश टाइमर बोलते हैं, और जिसकी ड्यूरेशन पीरियड 240 सेकंड्स का होता है, यानी कि नेटवर्क के सभी राउटर्स और 60 सेकंड्स लेते हैं इनवैलिड राउट को, या जो नेटवर्क जिस तक अब नहीं पहुंचा जा सकता उसे अपने अपने राउटिंग टेबल से हटाने के लिए। अब चौथा टाइमर जो है होल्ड डाउन टाइमर, ये इनवैलिड टाइमर के बाद स्टार्ट होता है और इसकी ड्यूरेशन भी 180 सेकंड्स होती है। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स में राउटिंग लूप बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए होल्ड डाउन टाइमर बहुत सारे मैकेनिज्म्स में से एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से राउटिंग लूप्स को अवॉइड किया जा सकता है, राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। राउटिंग लूप्स प्रिवेंट करने के रिप में और भी कई मैकेनिज्म हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये टाइमर्स को समझिए, ये रिप या राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में चार टाइमर्स कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हमने राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप टाइमर्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।